दोनों हाथ उठाकर हंसेंगे। चलिए हाथ को हिलाते हुए हंसेंगे। चलिए एक बार और झूमेंगे। चलिए एक बार थोड़ा सा ऐसे करते हुए हंसेंगे। जिले में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर स्वीप गतिविधियों के तहत आज स्थानीय गांधी मैदान में वृद्धजन मतदाताओं को जागरूक करने हेतु योगा हस्त योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृद्धजन मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और 28 अक्टूबर 2020 को मतदान कर लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन जहानाबाद द्वारा सभी मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि मतदान में आपकी भी अहम भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज तक आप सभी ने मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बल दिया है और आशा है कि आगे भी आप सभी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोकतंत्र को और सुदृढ़ बनाएंगे। उन्होंने सभी से अपील की है कि 28 अक्टूबर को अपना मतदान अवश्य देंगे और साथ ही अपने आसपास के मतदाताओं को जो कि आज के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं उन्हें भी प्रेरित करेंगे कि लोकतंत्र के हित में सभी लोग अपना मतदान अवश्य दें। कार्यक्रम के जरिए गांधी मैदान में वृद्धजनों का हास्य का स्वर पूरे मैदान में गूंज उठा और अच्छे स्वास्थ्य की ओर भी एक अहम पहल हुई। वृद्धजनों के लिए किया जा रहा जिला प्रशासन का ये एक अनूठा कदम था जिसमें वृद्धजनों की भागीदारी को महत्वपूर्ण देते हुए उनके लिए खास स्वीप गठित गतिविधियों के जरिए जागरूकता एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में वृद्धजनों ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनज़र सामाजिक दूरी के साथ साथ मास्क का उपयोग करते हुए मतदाताओं द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से योगा का लाभ उठाया गया। चलिए हाथ को हिलाते हुए देंगे। चलिए एक बार और झूमेंगे। एक बार थोड़ा सा ऐसे करते हुए हंसेंगे। तारीख को होने जा रहा है, आप लोग सभी बुजुर्ग केंद्र जाइए अपना कीमती वोट। तो हाथ को ऐसे रख लेंगे, जिनको नींद नहीं आती है नींद अच्छी आए ऐसे करकर आंख को कान को अंगूठा से बंद करेंगे, तीन उंगलियां आंख पर रखकर बच्चे सभी लोग ऐसे अंगूठा से कान को दबाइए, अंगूठा से ऐसे